नमस्कार दोस्तों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर मैं आपको अनेकों सब्जेक्ट्स के अनेकों टॉपिक्स से परिचय करा रहा हूं। और ये टॉपिक्स आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अर्थात प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल को पसंद कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों और फैमिली के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का टॉपिक इतिहास एक महत्वपूर्ण पहलू से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास में विभिन्न घटनाओं को उसके कालक्रम के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। एग्जैक्टली मैंने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिससे प्रत्येक परीक्षा में एटलीस्ट 4 से 5 प्रश्न तो जरूर आते हैं, और ये है क्रांतिकारी युग। जी हाँ, हम लोग आज बात करेंगे उस युग की जिसमें महान क्रांतिकारियों ने भारत की आज़ादी के लिए अपने जान को न्यौछार कर दिया। आज़ादी के दीवाने, उन्होंने किस प्रकार की रणनीति अपनाई, आखिर क्या कारण था कि इन्होंने अपने आप को देश के आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलि देने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं की। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां, दमनकारी प्रवृत्तियां, भारी मात्रा में धन का दोहन और उनके द्वारा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हमें अपंग बना दिया गया था। उस अपंगता से दूर करने के लिए आज का जो युग है, आज का जो टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही फेवरेट है मेरा टॉपिक। आपको ही मजा आएगा, बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि बंगाल, जी पश्चिम बंगाल, आज का बंगाल तो बहुत छोटा है, लेकिन जब आप आज़ादी से पहले बंगाल की बात करें तो बंगाल का बहुत विशाल क्षेत्र हुआ करता था। विशाल क्षेत्र के कारण वहाँ की जनसंख्या में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। पूरा पश्चिम का जो मिलन था बहुत ही बेहतरीन था। क्रांतिकारी अलग अलग विचारधाराओं से प्रेरित थे। उन्हीं में से बंगाल एक है जिसमें अनेक प्रकार के महान क्रांतिकारी हुए। आखिर क्रांतिकारी का गढ़ क्यों कहा जाता है बंगाल को, देखिए हम लोग बंगाल का आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। आंदोलन का गढ़, सबसे पहले आप समझिए उसमें सबसे पहले आतंकवादी आंदोलन, देखिए आतंकवादी सब बहुत बकवास लगता है, गलत लगता है, न्यायपूर्ण नहीं है हमारे क्रांतिकारियों के लिए, लेकिन भारतीय इतिहासकारों के अंग्रेजी प्रभाव ने उन्हें आतंकवादी कहा क्योंकि उन्होंने हथियार उठाया, अंग्रेजों की हत्या की, इसलिए उनको आतंकवादी कहा गया। लेट्स छोड़िए उसको। सबसे पहले आपको समझना होगा कि अनुशीलन समिति, देखिए बंगाल में एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था अनुशीलन समिति। ये अनुशीलन समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है, क्योंकि इससे आपको समझना क्या है, देखिए इस अनुशीलन समिति का जो गठन है वो किया गया था वरिंद्र घोष के द्वारा। वरिंद्र घोष के द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया। इसके अलावा जतीन्द्र नाथ बनर्जी भी थे। इसके अलावा आप जतीन्द्र नाथ बनर्जी का भी जिक्र कर सकते हैं। और ये कब किया गया था, ये सन 1902 में गठित किया गया था, याद रखिएगा 1902 में अनुशीलन समिति का गठन किया गया, जिसमें वरिंद्र घोष और जतीन्द्र नाथ बोस का नाम अवश्य याद रखिए। इसके अलावा और भी कई प्रकार की संस्थाएं थी, जिसमें आप जैसे एक गुप्त संस्था थी उसका, जो अगर वरिंद्र कुमार घोष नहीं भवानी मंदिर नामक पत्रिका, भवानी मंदिर ये पत्रिका है जो वरिंद्र घोष के द्वारा प्रकाशित किया जाता था, भवानी मंदिर पत्रिका या पुस्तिका कहें तो, क्रांतिकारी आंदोलन को संगठित करने के लिए, उसकी विचारधाराओं को बहुत दूर तक फैलाने के लिए, विस्तृत करने के लिए, जानकारी फैलाने के लिए इसकी मतलब एक तरह से साहित्यिक पत्रिका निकाली जाती थी। इसके अलावा और भी आप चाहें तो बंगाल में युवांतर एक पत्रिका छपती थी। इसके अलावा संध्या,
ये भी बहुत ही फेमस पत्रिका है जिसके माध्यम से पूरे क्रांतिकारी आंदोलनों को एक तरह से बल प्रदान किया जाता था। और ये आप जान लीजिए कि युगांतर पत्रिका से एक महान क्रांतिकारी अरविंद घोष का जुड़ाव है। तो युगांतर पत्रिका का जो एक तरह से कहे तो जुड़ाव है तो वो है अरविंद घोष के द्वारा। ठीक है, तो मैंने दो पत्रिकाओं का नाम और एक पुस्तिका का नाम मैंने बताया, आप उसे अच्छी तरह से रिमेम्बर कर लीजिए। इसके अलावा बंगाल में और भी कई क्रांतिकारी संस्थाएं, गुप्त संस्थाएं थी जिसका जानकारी आप लोग इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे भद्रलोक समाज, ये भी वास्तव में बंगाल से ही जुड़ा हुआ है, भद्रलोक समाज। अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही फेमस घटना मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर बहुत ही फेमस जगह है, बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण जगह। ये क्रांतिकारी आंदोलन से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, देखिए, मुजफ्फरपुर का एक जज था, जज यानी न्यायाधीश किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मिलकर कर दी, गोली मार दी उनको। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे तो क्रांतिकारी आंदोलन का, गोली मारो किसी को, हत्या करो, यही सब पढ़ेंगे ओवरऑल इस चैप्टर में। तो प्रफुल्ल चाकी तो थोड़ा सा आत्मविश्वास खो चुका था, उसने अपने आप को वहां पर गोली मार ली, खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया। और आपको पता होना चाहिए भारतीय इतिहास में पूरी स्वतंत्रता के दरमियान जो सबसे कम उम्र में अगर फांसी दी गई है तो वह है हमारे देश के सबसे प्रिय और सबसे महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस, उन्हें सबसे कम उम्र में फांसी दे दी गई। उन पर एक केस चलाया गया था, आप याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर न्यायाधीश के मर्डर के दरमियान उस पर जो केस चलाया गया उस केस का नाम था अलीपुर षड्यंत्र। याद रखिएगा, अलीपुर षड्यंत्र। ये अलीपुर षड्यंत्र मुजफ्फरपुर के कांड से जुड़ा हुआ है और 21 महान क्रांतिकारी से जुड़ा हुआ है। दो व्यक्ति, एक याद रखिएगा प्रफुल्ल चाकी और दूसरा है खुदीराम बोस। दैट्स सफिशिएंट फॉर इट। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महान क्रांतिकारी तिलक। जी हाँ, मैं बाल गंगाधर बीजी तिलक की बात कर रहा हूँ। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जिनका एक सबसे महत्वपूर्ण नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। जी हाँ, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। ये कहान ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही कहा गया था। तो इनके बारे में एक समझना है कि आपको एक गणपति उत्सव और दूसरा है शिवाजी महोत्सव, दोनों महान एक तरह से क्रांतिकारियों को जोड़ने के लिए, उनमें एक तरह से संगठन बनाने के लिए, प्रेम जगाने के लिए, ये किसी सांप्रदायिकता को रंग देने की कोशिश मत कीजिए। ये धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था, वास्तव में पूरी धार्मिक स्वतंत्रता को छोड़ दिया जाए तो ये वास्तव में क्रांतिकारियों को जोड़ने का आंदोलन था। ठीक है, इसका कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता रंग थोड़ा सा दिखता है, जैसे तिलक लगाना, माँ काली की पूजा करना, गंगा की नदी पर डुबकी लगाना, ये जनरली हमारे अलग कौम में अर्थात मुस्लिम धर्मों में नहीं होता है, तो उनसे थोड़ी इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सांप्रदायिकता रंग दिखता है। लेकिन तिलक का उद्देश्य बिल्कुल ऐसा नहीं था, वो चाहते थे भारत के लोग आपस में प्रेम जुड़ में मिलजुल कर अंग्रेजों को। ठीक है, अगला है चापेकर बंधु से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, चापेकर बंधु, चापेकर बंधु, ये दो भाई हैं चापेकर बंधु। ये चापेकर बंधु, जिनका नाम है दामोदर चापेकर और दूसरा नाम है बालकृष्ण चापेकर। जी हाँ, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पूना में एक कमिश्नर था, उसको गोली मार दी, मारना ही था, उनकी दमनकारी नीतियाँ तो थी, उसके स्थान पे आप होते तो भी वही करते। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही फेमस संस्था। जी हाँ, मैं बहुत ही फेमस संस्था को बताने जा रहा हूँ। ये संस्था है विनय दामोदर सावरकर, बी डी सावरकर का। जी हाँ, बी डी सावरकर, बी डी सावरकर, बी डी एस, इससे जुड़ा है। विनय दामोदर सावरकर से क्या जुड़ा हुआ है पता होगा आपको, इससे जुड़ा हुआ है, बताइए आप, इससे जुड़ा हुआ है नासिक षड्यंत्र केस और एक अभिनव भारत संस्था, अभिनव भारत
संस्था, ये अभिनव भारत संस्था बीडीएस से जुड़ा हुआ है बिना दावेदार सामरकर, और इसी के साथ एक षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नासिक षड्यंत्र, नासिक षड्यंत्र, नासिक षड्यंत्र किससे जुड़ा हुआ है, तो नासिक षड्यंत्र जुड़ा हुआ है बीडी सावरकर से, बीडी सावरकर के द्वारा, ठीक है, क्या स्थापना किया जाता है, तो बीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की संस्था का स्थापना किया जाता है, और नासिक षड्यंत्र केस 1909 से है, ठीक है, इसके तहत मुकदमा चलाया जाता है, इस मुकदमा में और भी बहुत से व्यक्ति थे, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है, भारत माता सोसाइटी, भारत माता सोसाइटी, भारत माता सोसाइटी ये भी एक क्रांतिकारियों का गढ़ था, जिसमें आप समझ जाइए कि भारत माता सोसाइटी के तहत जे एम चटर्जी एवं लाला हरदयाल, अजीत सिंह और सूफी अंबा प्रसाद भी शामिल थे। याद रखिएगा, भारत माता सोसाइटी से कौन कौन से जुड़े हुए हैं, तो इसके तहत लाला हरदयाल, अजीत सिंह, सूफी अंबा जुड़े हुए हैं, बन सके हैं। ओके, देयर वाज समथिंग नॉइज सो आई स्टॉप दिस। ओके, अगला अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना जा रहा हूं मैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा, बहुत ही फेमस नाम है श्याम जी कृष्ण वर्मा, कृष्ण वर्मा एस के वी, श्याम जी कृष्ण वर्मा जिन्होंने 1905 में लंदन में, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है, लंदन के सैन फ्रांसिस्को, जी हाँ, लंदन के या इंग्लैंड के सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने क्या चीज़ का स्थापना किया था, तो इन्होंने इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, इसके अलावा इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका निकाला, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसके द्वारा निकाला गया है, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, इन्होंने लंदन हाउस एंड लंदन सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में, इसके अलावा इन्होंने इंडिया हाउस, इसी से जुड़ा हुआ है, इंडिया हाउस किससे जुड़ा हुआ है, तो ये श्याम जी कृष्ण वर्मा से जुड़ा हुआ है, और कहाँ पर है, तो सैन फ्रांसिस्को में। ओके, भारतीय क्रांतिकारियों का एक तरह से गढ़ माना जाता है, माफी चाहता हूँ साउंड के लिए, ठीक है, और अगला क्रांतिकारी आंदोलन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1913, ये है गदर आंदोलन, गदर आंदोलन दिस इज वेरी फेमस, एंड इससे ऑलरेडी यूपीएससी ऑलरेडी प्रश्न पूछ चुकी है। देखिए, गदर आंदोलन 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा, सोहन भाकना सिंह के द्वारा, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक गठन किया जाता है, ये सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है, माफी चाहता हूँ पहले के लिए, ठीक है। देखिए, इसके द्वारा एक गदर पत्रिका निकाला जाता है, गदर पत्रिका वास्तव में इससे कौन कौन से जुड़े हुए हैं, तो एक तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, पंडित काशीराम, भाई परम आनंद, इसके अलावा करतार सिंह सारभा और फिर रामचंद्र जुड़े हुए हैं, तो इनके व्यक्तियों का नाम आप याद रखिएगा, अदरवाइज यूपीएससी खेल कर लेगी, आपको व्यक्ति से दे देगी और कहेगी कि इनमें से कौन कौन व्यक्ति इस प्रसिद्ध अर्थात ला मतलब गदर आंदोलन से जुड़े हुए हैं, यू विल बी कंफ्यूज अबाउट दैट, तो डोंट कंफ्यूज, जस्ट रिमेंबर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी केयरफुली। देखिए, लाला हरदयाल वास्तव में इस संस्था को स्थापना करने का इसका उद्देश्य तो समझ चुके होंगे, इस पत्रिका के माध्यम से आंदोलनकारी विचारधाराओं को प्रसारित करना, भारत में जो कुछ हो रहा है उसका विश्व में एक तरह से उसकी बात उठे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इन्होंने गुरिल्ला पद्धति से भारत को आजाद करने की योजना बनाई थी, गुरिल्ला पद्धति जानते हैं, शिवाजी, जब कभी भी गुरिल्ला पद्धति याद आएगा शिवाजी का कनेक्शन जाएगा, ये छुप छुप कर भयंकर मतलब शत्रु को धोखेबाजी से मार देते थे, तो वही गुरिल्ला पद्धति से भारत को आजाद करने का इरादा बनाया था इन संगठनकारियों ने, गदर आंदोलन के संगठनकारियों ने, हालांकि ये सफल नहीं हुआ क्योंकि इससे पहले मतलब इस योजना की जानकारी अंग्रेजों को पता चल गई और गदर आंदोलन एक तरह से बैंड हो गया। ओके, तो मेरे ख्याल से आप इससे एक षड्यंत्र जुड़ा हुआ है, उस षड्यंत्र को याद रखिएगा, षड्यंत्र का नाम है लाहौर षड्यंत्र, पूछा जा सकता है कि लाहौर षड्यंत्र केस किस घटना से जुड़ा हुआ है, तो ये गदर आंदोलन से जुड़ा हुआ है, या इनमें से कौन कौन से व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस के तहत गिरफ्तार किए गए, तो याद रखिएगा, सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, पंडित कासाराम, एक
कांसीराम, भगत जौहरमल इत्यादि चाहिए, या फिर उतना नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा कि ये जो लाहौर षड्यंत्र केस है वो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो सीधा सीधा गदर आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अब अगला घटनाक्रम है कामागाटा मारू प्रकरण बहुत ही फेमस, इससे भी यूपीएससी ऑलरेडी पूछ सकती है, तो मैं जितना बता रहा हूँ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। कामागाटा मारू ठीक है, एक तरह से क्या है, एक जहाज है प्रकरण, कामागाटा मारू प्रकरण ये एक तरह से जहाज है। और 1914 में क्या हुआ कि 376 ध्यान रखिएगा, 1914 में 376 भारतीय नागरिकों को वैंकूवर लेकर चला ये जहाज, 376 भारतीयों को वैंकूवर लेकर चला, लेकिन कनाडा सरकार ने उसे रोक दिया और जहाज वापस को कलकत्ता भेज देना पड़ा। अब सोचिए कि वैंकूवर से आपको कनाडा जाना था, कनाडा से वापस उसको रोक कर कलकत्ता भेज दिया गया, वापस आने पर यात्रियों ने पुलिस से संघर्ष कर लिया और इसी संघर्ष को हम लोग जोड़े हैं इतिहास में कामागाटा मारू प्रकरण, ठीक है, ध्यान रहेगा। ये था आंदोलन। अगला आंदोलन है जो दिल को दहला देता है, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ 1919 डेट लिखते ही किसी प्रिय भारतीय के मन में एक ज्वाला उत्पन्न हो पाती है, वो ज्वाला है जलियांवाला बाग। अभी हाल में इसका पता होगा, 1919 से 2019 100 साल पूरा हुआ, इसके शताब्दी वर्ष मनाए गए। जलियांवाला हत्याकांड हर भारतीयों के लिए एक तरह से काला दिन है, काला अध्याय है हिस्ट्री के लिए। निर्मम लोगों की हत्या कर दी गई, बालक बच्चे मांस। रोलेट एक्ट के विरोध में अनेक जनसभाएं हो रही थी। यू नो अबाउट दैट रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के तहत व्यक्तियों को संदेह के आधार पर, बस मतलब सस्पेंस हो गया, सस्पेक्ट हो गया कि ये व्यक्ति कुछ अंग्रेज सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है, तो उसको संदेह के आधार पर 2 वर्ष की गिरफ्तारी की जाती थी। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर आपको ना वकील, ना दलील, ना अपील, नो वकील, नो दलील, नो अपील इस घटना से जुड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक है रोलेट एक्ट एक तरह से आज का जो आप देख रहे हो उसमें से एक्ट है। उसके अलावा 124A सेक्शन 124A, ठीक है, देशद्रोह इत्यादि का जो आज पूरी चर्चा में है। थिंक अबाउट दैट कि क्या रोलेट एक्ट जैसी एक तरह से बहुत ही विकृत कानून, जिसके कारण भारतीयों को उसकी आज़ादी, उसकी वेदना, उनकी भावनाओं को प्रकट करने के खिलाफ कि अंग्रेज हमारे देश में अब रह रहे हैं और हमें सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है, और आप हम पर इतना कठोर कानून लगाइएगा, वर्तमान में क्या हो रहा है। वर्तमान में आपको पता होगा कि IPC इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 124A बहुत ही विवादित है, और ये है राजद्रोह से। अगर आपने देश के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ लिखकर, बोलकर, छापकर, वीडियो बनाकर, किसी भी तरह से अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा किया जिससे देश की एकता, अखंडता, उसकी संप्रभुता इत्यादि का खतरा महसूस हो या फिर खतरा होने की संभावना हो, तो आपको IPC के सेक्शन 124A के तहत राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा, और आजकल इसका भारी गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये मीडिया रिपोर्ट है, ये मेरी वाणी नहीं है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। और जलियांवाला बाग हत्याकांड इससे खतरनाक था या नहीं था, यह आप खुद सोचिए, जिसमें 2 महान व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, एक सत्यपाल का और दूसरा है सफरुद्दीन किचलू का, एक महान सत्यपाल भक्त जी का और दूसरा सफरुद्दीन किचलू का। इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध हुआ था, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन पंजाब में थोड़ा सा उग्र रूप धारण कर लिया था। पंजाब में बैसाखी का दिन था, लोग
अमृतसर के बहुत बड़े बाग में, जिसको जलियांवाला बाग कहा जाता है, उसमें इकट्ठे हुए थे। मेला लगा हुआ था, बैसाखी का मेला, बच्चे बुजुर्ग बूढ़े महिलाएं सभी लोग मेला का आनंद ले रहे थे। लेकिन किसी को ये कानो कान खबर नहीं थी कि एक महान क्रूर बेकार विभत्स घटना होने वाली है, जिससे पूरा दिल दहल जाएगा। और जनरल डायर नाम का एक महान, तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्रूर अत्याचारी लेफ्टिनेंट या फिर क्या था आप मुझे बताइएगा, मुझे याद नहीं है, उन्होंने अंधाधुन फायरिंग कर दी और कहा कि जब तक गोलियां है तब तक बरसाओ, हजारों लोग मारे गए, शहीद हो गए। मैं मारने मारना मारना तो बिल्कुल गलत शब्द है, शहीद हो गए। चलिए, ये तो थोड़ा सा इमोशनल वाला बात था। तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सफेदुन किचलू के, अमृतसर के डेप्टी कमिश्नर, अमृतसर का वो डेप्टी कमिश्नर था, उसका नाम था ओ डायर, बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया गया था उसको। विरोध में जनता ने 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में सभा आयोजित किया। अमृतसर के फौजी कमांडर का नाम था जनरल डायर, अमृतसर का जो फौजी कमांडर था उसका नाम था जनरल डायर। सभा को चारों तरफ से घेर लिया और निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी। इस हत्याकांड में हंस राज ने, एक भारतीय था, एक गद्दार भारतीय को उसी समय फांसी पर लटका देना चाहिए था, उसका नाम याद रखना मेरे लिए दुखद है, हंसराज। ये हंसराज व्यक्ति जिसने भारतीयों पर, भारतीयों पर एक तरह से कलंक है, ये भारत का इसका हुआ कैसे है, इसने उसकी मदद की। देखिए, इससे बहुत दुख हुआ। महात्मा गांधी ने अपनी दुखी व्यक्त करने के लिए और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी दुखी व्यक्त करने के लिए अंग्रेज के द्वारा प्रदान किए गए बड़ी बड़ी उपाधियों को त्याग दिए। तो नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दी। इसके अलावा आप एक और व्यक्ति का नाम याद रखेगा, शंकरन नायर। शंकरन नायर ने वायसराय की पद से इस्तीफा दे दिया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इसी के संबंध में एक कमेटी है, उस कमेटी का नाम याद रखिएगा जो जलियांवाला बाग से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच पड़ताल करने के लिए, उसका नाम है हंटर कमेटी। हंटर फिल्म है, वो देखिएगा कभी, गंदा फिल्म है, मतलब बकवास मूवी है हंटर। तो इसमें जलियांवाला बाग के हत्याकांड की जांच करवाने के लिए अक्टूबर 1919 में एक जांच कमेटी बैठाई गई और इसकी अध्यक्षता की गई लॉर्ड हंटर के द्वारा, इसलिए इसका नाम पड़ गया है हंटर कमेटी। भारत राष्ट्र कांग्रेस की तरफ से किसने इसका रिप्रेजेंटेशन किया, तो आपको याद रखना होगा, भारत राष्ट्र कांग्रेस की तरफ से इसका रिप्रेजेंटेशन करने वाला व्यक्ति का नाम मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, MMM, मदन मोहन मालवीय, MMM, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। इन्होंने भारतीयों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से एक तरह से अंडर कमेटी में अपनी उपस्थिति दर्ज की। तो इसके अलावा और भी कौन कौन सदस्य थे, तो पूछा जा सकता है कि क्या महात्मा गांधी इसके अंडर कमेटी के हिस्से थे, तो याद रखिएगा, आपको इस तरह की बातें नहीं समझाई जाती है यूट्यूब में, लेकिन ध्यान रखिए, महात्मा गांधी भी जुड़े हुए थे, MG महात्मा गांधी। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू, जी हाँ, मोतीलाल नेहरू को भी इसका मेंबर बनाया गया था। तो तीन व्यक्ति का नाम याद रखिएगा भारतीयों की ओर से जिसने हंटर कमेटी में अपनी पेशकश की, एक तो पंडित मदन मोहन मालवीय, दूसरे महात्मा गांधी और तीसरे मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू के बारे में आप जानते ही होंगे, पंडित मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। चलिए, ये था ओवरऑल आज का संक्षिप्त वीडियो। अगला किसी दिन मैं आपको खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त जिक्र करूंगा और प्रश्न के माध्यम से आपको मैं इसको क्लियर करता जाऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।